ओके मैम। आज्ञाचक्र जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई, पर्पल कलर का होता है और इसका बीज मंत्र होता है ओम, यूनिवर्सल साउंड ओम। ये हमारे सेंटर ऑफ द हेड, फोर हेड, सेंटर ऑफ द फोर हेड और हमारे बैक ऑफ, ऐसे यहाँ पे बैक में, इसके पीछे ना पीनल ग्लाइन, इसके बीच में ये चक्र होता है, इसकी जो लोकेशन है इसके बीच में होती है। जब आप मेडिटेशन करते रहते हैं तो आप देखना, आप कभी देख, जब भी आप उस लेवल पे होंगे कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको, अंदर अपने अंदर एक रोशनी नजर आएगी, बाहर रोशनी नजर नहीं आएगी आपको, इस एरिया में रोशनी नजर नहीं आएगी आपको, अपने ब्रेन के अंदर रोशनी नजर आएगी। और वो एक पतली सी एक जो तार होती है, तो वो रोशनी होती है, वो आपका ये मतलब उस एग्जैक्ट वो पॉइंट होता है इस चक्र लोकेशन। और वो जो समय होता है ना, वो बहुत ही सुकून और बहुत शांति का एलिमेंट, एलिमेंट एयर एलिमेंट। बहुत सारे लोग बहुत मेडिटेशंस करते हैं अपने इस चक्रा को खोलने के लिए, थर्ड आई ओपन करने के लिए। थर्ड आई ओपन तो हमें करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजों का पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई इमोशंस नहीं होते हमारे अंदर किसी के लिए, ऐसे लोगों के अधिकतर सिर में दर्द रहेगा। ऐसे लोगों की आंखों में प्रॉब्लम होती है, उनको धुंधला दिखता है, विजन्स में प्रॉब्लम होती है, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं उनके जीवन में। अगर उनका ये चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, बैलेंस्ड होता है, तो ये उनको परमात्मा से मिला देता है। वो जब मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत देर तक परमात्मा के साथ उनका कनेक्शन बन जाता है, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ वो जुड़ जाते हैं, और फिर उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, निर्भय हो जाते हैं। फियरलेस होते हैं ऐसे लोग, जिनका ये पॉजिटिव हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे लोग, बहुत ऐसे लोग पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका ये चक्र बैलेंस होता है वो लोग एजुकेशन फील्ड में बहुत आगे होते हैं, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो कभी कभार कुछ एनर्जीज उनको कांटेक्ट करती हैं अपनी मुक्ति के लिए, जब उस लेवल पे वो पहुंच जाते हैं तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज होती हैं जिनकी मुक्ति नहीं होती है, वो उनको कांटेक्ट करती हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए, क्योंकि उन्हें उन्हें पता होता है कि इस व्यक्ति का ऑरा इतना मजबूत है, इसका यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है, तो ये इंसान मुझे मुक्ति दिला सकता है। पवित्र आत्माएं उनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन इसके उल्टा कई लोग जबरदस्ती अपनी थर्ड आई को खोलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है।
आप रेगुलर मेडिटेशंस करिए, आप अपनी अच्छा फूड हैबिट रखिए, ज्यादा से ज्यादा आप कहते हैं ना रॉ फूड डाइट खाइए, सात्विक भोजन खाइए, अनहेल्दी फूड आप ना खाइए, अनहाइजेनिक फूड आप ना खाइए, जंक फूड आप बिल्कुल मत खाइए। आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना अच्छा मेडिटेशन करेंगे, जितना अच्छे आपके विचार होंगे, अच्छी पॉजिटिव चीजों के साथ जितना आप जुड़ेंगे, और अगर उस सिचुएशन में आपका ये चक्र, आपकी थर्ड आई ओपन होती है, तो आपका यूनिवर्सल कनेक्शन होता है, आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाए, आप गंदा खाना खाते हैं, आप नॉनवेज, देखिए कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहां पे बिना नॉनवेज के गुजारा ही नहीं है, तो वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जीने के लिए करना पड़ता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप इन चीजों को छोड़ दें, आप छोड़ सकते हैं कि आपके लिए इजी है, तो अगर आप अपना नॉन वेज हो गया, ड्रिंक हो गया, स्मोक हो गया, इस तरह की जो भी चीजें हैं, अगर आप इनको छोड़ दें, मेडिटेशन उसके बाद आप अपने मेडिटेशन पावर्स को इनहेंस करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सब चीजें खा रहे हैं, आप प्रॉपर गृहस्थ जीवन के अंदर भी जी रहे हैं, आप हर तरीके से जंक फूड भी खा रहे हैं, आप लाइफ को पूरी तरीके से घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मूवीज देखना, मतलब आपका लाइफस्टाइल उस तरीके का है, और फिर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्यों आनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि फिर नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप मेडिटेशन करके अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव नहीं है। आपकी थॉट प्रोसेस में तो आप खा पी रहे हैं ना, आप नॉनवेज भी खा रहे हैं ना। जब भी आप इस तरह की कोई मांसाहारी चीजें जब हम खाते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अमावस के दिन हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन नकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, चीज के ऊपर अट्रैक्ट होती है। तो अगर आप मेडिटेशन में अपने आप को हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन को स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको अपने फूड हैबिट्स पे सबसे पहला जो काम है वो फूड हैबिट्स पे ही है। सबसे पहले आपको अपनी फूड हैबिट्स को अच्छा करना है, और आपकी फूड हैबिट्स जितनी अच्छी होगी, उतने ही आपकी निरोग काया, मतलब कि हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में बहुत कम होंगे। आपको पता है चाय भी एक प्रकार का नशा है, आपको चाय भी छोड़नी चाहिए। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जहां पे वो आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं 7 डेज चाय नहीं पीनी, फिर आपको 15 डेज चाय नहीं पीने, वो भी एक तरीके का नशा है। मैम आदमी बीमार हो जाएगा चाय नहीं पिएगा तो। मैं टी लवर हूँ, मैं तो चाय के बगैर रह ही नहीं टाइम तो सकती। चाहिए। ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। आपको पता है चाय क्या होता है? चाय पत्ती इज अ राहु एंड चाय इज अ चंद्रमा, और आप चंद्रमा और राहु को मिला के पियेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो आपके बीमारियां ही होंगी ना, दोनों चीजों को मिला रहे हो, दोनों एनिमी ग्रह हैं। मैम कॉफी चल सकती है? कॉफी भी नहीं चल सकती। कॉफी, चाय, ग्रीन टी ही ले सकते। ग्रीन टी ले सकते हो आप, कोई भी काढ़ा पी सकते हो, बहुत सारे काढ़े होते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत अच्छे अच्छे काढ़ा होते हैं। एक सात्विक फूड के नाम से एक चैनल है, आप वो यूज करो, मतलब सब कुछ तो नहीं वैसा हम बना सकते, बट कुछ चीजें उसमें से हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि ये देखिए हमारे लिए ही है। आप मेडिटेशन करें बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते, यूनिवर्स के साथ नहीं भी कनेक्ट होते, तो आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। आगे चल के डॉक्टर्स के पास जाना, उनको इतने मोटे मोटे पैसे देना और अपने ट्रीटमेंट्स लेना, उससे तो बेटर ऑप्शन है ना कि आप अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा कर लो,
आपकी लॉन्ग लाइफ भी बढ़ेगी। और बोला कि जैसे कि आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ होती है, आप जैसे जैसे ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, तो एक टाइम के बाद आपको कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। आप अपनी डेस्टिनी को उस टाइम पे फिर चेंज कर लेते हो, पर वो अभी तो बहुत दूर की बात है। अभी तो सिर्फ अभी तो आप घुटना चलना भी नहीं सीखे हो, मतलब अभी उसकी तैयारी हो रही है।